मेरा नाम करीब अंसारी, मैं यहाँ का समाज सेवी हूँ। ये हम लोग अभी पेस्का में हैं, पेस्का हाई स्कूल के मैदान में हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व हैं। हमारा क्षेत्र जो आज गढ़वा जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र है और बिल्कुल यह इलाका मैंने आज़ादी से लेकर के अभी तक यह पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सरकार जो राइट टू एजुकेशन के तहत 30:1 पर जो शिक्षक देने की जो बात करती है, लेकिन आज तक आप चल के देखेंगे कि हर एक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और जो बेस है, बच्चों का जो बेस है, उसको अंधकार में डाला जा रहा है। और यहाँ पर बिजली की समस्या मात्र 24 घंटे में 1-2 घंटा दिया जाता है, वो भी कभी कभी 1 सप्ताह तक गायब हो जाता है। यहाँ के लोग बिल्कुल तराहिमाम हैं। पानी की भी वही व्यवस्था है, यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को यह दिखाई नहीं देता है। वहाँ आते हैं, कभी इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कभी उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव का वक्त आता है तो वह देखते हैं कि किस पार्टी का लहर है, करोड़ों रुपया दे करके अपना टिकट लेकर के चुनाव मैदान में लाकर और पैसा के बल पर जनताओं को बेवकूफ़ बना करके वोट खरीदने का काम करते हैं। यहाँ की जनता तराहिमाम है और बिल्कुल यहाँ का इस बार जनता मुँह तोड़ जवाब देगी। यहाँ के मूलभूत समस्याएं हैं पानी, बिजली, शिक्षा, मूलभूत समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग सारे चीज इस चीज़ से हम लोग वंचित हैं। यहाँ सारी समस्याएं हैं, जैसे कोई पूछे कि कोई तकलीफ में कमी, तो यहाँ तो सब पूरे तकलीफें हैं, तो तकलीफ में कमी क्या रहेगा? किसी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे विधायक जी वोट लेकर जब यहाँ से जाते हैं, उसके बाद गढ़वा में तब दिखाई देते हैं जब उनका फिर दूसरा इलेक्शन का समय आ जाता है, उसके पहले वो दिखते नहीं हैं। कि और कोई आदमी अगर कहता भी है उनसे जाकर के, कहीं मुलाकात करके, डाल्टनगंज जाकर के, रांची जाकर के उनसे कोई बात करता है, समस्या की बात करता है, तो वो कहते हैं कि रउआ हमारा वोट दिले ही, रउआ तो मोदी जी के वोट दिले ही। इसलिए हम लोग अभी तरह तरह हैं। मेरा नाम हुआ समीम अख्तर अंसारी, घर हुआ चामा। आज जो झारखंड की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का। आज जितने भी नेता यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे स्टार प्रचारक हों, झारखंड के हों, हम कहते हैं कि पूरे झारखंड से लेकर के देश तक बीजेपी की सरकार हम लोग बना दिए, लेकिन अब क्या उनको विदेश में सरकार बनाना है कि काम करेंगे? सरकार जब बन गई तो काम करना चाहिए। आज नेता लोग ये चाहता है कि झंडा लेकर के हमारे पीछे पीछे दौड़े, इसलिए कि जब तक पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज देखिए इस क्षेत्र में विद्यालय बंद कर दिया गया, सरकार वहाँ के थोड़ा सा सुध नहीं लिया, पूछा भी नहीं वहाँ के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, लोगों को बुड़बक बना के रखना चाहते हैं कि तब तक बुड़बक रहे जब तक मेरा काम हो ना जाए। नेता लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। बिजली, पानी, रोड तो अलग समस्या, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा का, जो कि शिक्षा ही सबसे किसी देश का, किसी राज्य का, किसी का विकास के लिए जड़ है, लेकिन लोग शिक्षा नहीं देना चाहता है, ये लोग छलावा करता है। और जो है जो चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से हम लोग बदलाव के मूड में है, हम लोग अभी बदलाव कर रहे हैं। समस्या सर यहाँ 1000 है और विकास 1% भी नहीं हुआ। झारखंड प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं, मेरा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे आप मान लीजिए बगल में 10+2 का जो है बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें जो है मान लीजिए बहुत प्रयास किया जा रहा है जनता की ओर से, जनप्रतिनिधि के पास, कि भाई सर इसको चालू करा दिया जाए, लेकिन सब बंद करके रखा गया है। यहाँ का हमारे जो बहना, जो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सर महिला सशक्तिकरण मेरा पूरा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन मेरा बहन जो है इलाका के पढ़ लिख के शिक्षित होगी, वो खुद अपने आप अधिकार कुछ तक पहुँच जाएगी, प्राप्त कर लेगी। इस पर तो मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका रोड 0 पर है, बिजली पानी का वही स्थिति है। अपने पंचायत में समस्या बताइए। जी सर, हाई पंचायत में ही आता है सर, यहाँ तक कि इसमें जो है 1956 में यहाँ पर ब्लॉक का भी निर्माण हुआ था। मथुरा राम उस समय 6 महीना काम भी किए थे। 2004 में रघुवर जी यहाँ आए थे हेलीकॉप्टर से, उन्होंने कहा था कि हमको वोट दीजिए, हम मान लीजिए यहाँ प्रखंड को पहला प्राथमिकता देंगे। सिर्फ मैंने विधायक को जिताने का बात किए थे, आज पूरी झारखंड में उनकी सरकार है, लेकिन वो अब क्या कहते हैं कि अब 20 पंचायत पर जो है मान लीजिए प्रखंड बनाया जाएगा सर। तो अभी बताया जाए सर कि हम लोग कहाँ से 20 गो प्रखंड पैदा करें। मेरा नाम लक्ष्मण साह हुआ, घर पे इसका, और समस्या कितना इतना समस्या है, ये जो आवाम अभी देखने को जो
मिल रहा है, समस्या ही समस्या है। इतना समस्या जटिल है कि इससे मतलब निजात पाने के लिए जनता एकदम त्रस्त हो चुका है। पूरा केंद्र से लेकर राज्य तक सारे लोग ये क्या कर रहे हैं, अपने पंचायत के समस्या। भूतपूर्व विधायक एगो यहाँ बलाही डैम, वो वाला डैम का केवल ऐसे मुंह जोड़ना था और वो अनुपयोगी हो गया वर्तमान के विधायक में। हम जानते हैं गढ़वा रंग का विधानसभा के पूरा जनता जानते हैं, इतना जबरदस्त जो जो बिंदु पर कहेंगे कम होगा। त्रस्त हो चुकी है जनता, ये छल से या ढोंग से जनता एकदम पानी पानी हो गया है। और पानी ये सब जो भी हो रहा है समस्या, अगर यहाँ कहते हैं कि हम सारी समस्या को दूर कर दें, पहले की सरकार में भी जो बिजली मिलती थी वो भी घट करके, कब बिजली आएगा? जब खा पी के गोड़ पसार के सूतेगा आदमी तो कोई कहेगा कि 4 बजे भोर में आया है भाई आज लाइन। कोई कह रहा कि हमारा मोबाइल स्विच हो गया है भैया, 2 दिन से लाइन नहीं है। अभी ढिढोरा पीट रहे हैं कि अभी इन ये कहते हैं सर हमारे माननीय श्री रघुवर दास जी कि वोट अगर हम जब तक 2019 तक पूरा लाइन नहीं दे लेंगे पूरे झारखंड में तो हम दोबारा वोट नहीं मांगने आएंगे। तो ये क्या करते हैं ड्रामा, आज पूरा केंद्र से लेकर राज्य तक ये गढ़वा के धरती पर क्या आज जरूरत पड़ गया कि ऐसे ऐसे आकर के हम लोगों को विकास का ये डंका बजा करके हमको बता रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास हुआ है कि विनाश हुआ है? यह हर दिल के आवाज निकल रहा है कि क्या विकास हुआ है? आज इस स्तर पर हम लोग हैं कि हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम रह गया। इतना हम लोग जनता मूर्ख है। मेरा नाम उदय प्रसाद गुप्ता हुआ, मैं चामा पंचायत से हूँ। यहाँ पर कहा जाता है कि युवाओं का रोजगार मिलेगा प्रत्येक साल 2 लाख युवाओं का रोजगार है कहाँ? गढ़वा स्टेशन पर चले जाइए, हमारे पंचायत या हमारे तीनों पंचायत से प्रतिदिन 100 लेबर पलायन करते हैं। प्रतिदिन पलायन किया जाता है, यहाँ की युवाओं का रोजगार मिला ही नहीं। और मूलभूत हमारे पंचायत की सड़क है जो कि बरसात जब आती है तो रोड पर गाड़ी लगा के हमारे यहाँ के लोग अपने घर जाते हैं, चलने की व्यवस्था नहीं। अगर रात में पैदल चला जाए तो पता चलेगा कि भर ठेगुना पानी में हम लोग हेल गए और पूरी हमारी जितना पोशाक थी सब काम खत्म। हमारे यहाँ रोजगार के नाम पर 0 है आज तक। रोजगार के नाम पर केवल ये कहा गया कि युवाओं को रोजगार मिलेगा लेकिन रोजगार मिला नहीं, यही हमारी समस्या है। मेरा नाम मुनीर अंसारी है, ग्राम पंचायत चामस के मैं निवासी हूँ। देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पे हमारे यहाँ 3 चीज़ की कमी है। पहला चीज़ बिजली, शिक्षा और सड़क। पहली चीज़ हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं, और ज़्यादा तो उनसे हम नहीं कहेंगे, पहले जो उन्हीं के साथ हम लोग जब 2019-09 में जब चुनाव हुई थी बाबूलाल मरांडी के चुनाव चिन्ह लेके कंघी छाप से आते, हम लोग उनको तन मन धन से उनको स्वागत किए और यहाँ से गढ़वा रंग का विधानसभा क्षेत्र से जीता को उनको बैठाए भी। आने वाला समय में बीजेपी का टिकट लेके आ गए, फिर इस वर्ष बीजेपी का टिकट लेके आ गए। हमको टिकट से एतराज़ नहीं है, किसी भी पार्टी से आए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, हमारे यहाँ जो है बरसात के दिन में कीचड़ और धूप में डस्ट हम लोग खा के जिंदगी बसर कर रहे हैं, कभी भी यहाँ पे छिपा हुआ किसी चीज़ से नहीं है। रोड का इतना जर्जर स्थिति हुआ है, बहुत बुरी स्थिति है हमारे यहाँ रोड का और लाइन का। बिजली दिन भर नहीं रहती है? नहीं सर, बिजली नहीं रहती है, 2-4 घंटा रहती है वो रात में, और वो रात में आ गई जी। हाँ, अभी भी वही दशा है। हमारा नाम राजेश्वर सोनी, ग्राम पेश का। यहाँ तो हमारे भाई लोग बोले 3-4 समस्या, लेकिन मेन समस्या हमारे किसान के खेत की पानी की बहुत कमी है। पानी नहीं पहुँच पाती, अगर खेती अगर होती है तो यहाँ भी बम हो जाएंगे। हमारे बस एक प्राकृतिक ही बरसात से यहाँ का सब रोजगार मैंने निवासी मैंने दाना रोटी मिलती है, और बिजली तो 24 घंटा में 2-3 घंटा मिलती रहती है। ये हमारे पंचायत का हमारे ये पूरे समस्या है, जो बिजली पानी का बहुत ज़्यादा कठिनाई है, और शिक्षा का, अब बेरोजगार तो है ही। मेरा नाम तैयब अंसारी, घर पेशका हुआ।
और यहाँ जो है चापाकल पर मुखिया जब 5,000 रुपया दीजिएगा तो 5,000 रुपया में आपको चापाकल मिलेगा, कोनो से 10,000 रुपया में लेकर के। और यहाँ जब अथी हम लोग सूचना अधिकार के तहत मांग करते हैं जो हम लोग के सूचना अधिकार के तहत दिया जाए कुछ ये क्या हम लोग के क्षेत्र में कितना पैसा आया मुखिया के थ्रू, मगर इस तरीका से हमारे अथी। मेरा नाम रकीब अंसारी, ग्राम तीसरी रोटुगा, पोस्ट पिस्का, थाना मिराल, जिला गढ़वा के निवासी हम हैं। सर मेरे यहाँ मुसलमानों की आबादी 65 से 70 हज़ार है और गढ़वा ज़िला में जितने भी स्कूल हैं उसमें उर्दू शिक्षक की अभाव है। यहाँ पे मुसलमान के बच्चे भटक रहे हैं, उनकी तालीम नहीं हो पा रही है और पेशका से तीसरे का जाने में जो रोड पड़ता है बीच में एक पुल है जो टूट गया है, आज 3 साल का सा गुजर गया लेकिन अभी तक वो पुल बन नहीं पाया है। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ।